पीपल जो इंडिया साइकिल में टूर कर रहे हैं, इंडिया साइकिल में। और अच्छा अच्छा मतलब जो है कि वीडियो भाई, ऐसे लोगों को ना दिल से सलाम करता हूँ जो भाई इतना हिम्मत करके साइकिल से। और भाई दार्जिलिंग का ये वाला देख रहे हो है किनारे से जो है, अब सबको पता ही है दार्जिलिंग का क्या फेमस है, जो ट्रेन जाता है पता नहीं इस पर अब आता है टॉय ट्रेन या नहीं है। भाई पटरी साफ है ऐसा लगता है चलता होगा, लेकिन इसका भी ना एक टाइमिंग बना होगा। देख रहे हो भाई रोड के किनारे किनारे से ये जाता होगा, तो भाई इसका व्यू और इसमें बैठ के इसका मज़ा ही कुछ और अलग है। अभी हम सीधा निकल चुके हैं भाई बिहार के लिए, कहीं स्टॉपिज नहीं लेंगे, मतलब आज कहीं स्टे ना करना पड़े, इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है ना निकल गए भाई। तो भाई फाइनली जो है हम दार्जिलिंग से निकल चुके हैं, फाइनली हम दार्जिलिंग से निकल चुके हैं, अब सिलीगुड़ी की तरफ जा रहे हैं। सिलीगुड़ी में हम स्टे नहीं करेंगे, सुबह दार्जिलिंग में स्टे कर ली भाई हमने, और अब दार्जिलिंग से हम सीधा निकल जाएंगे भाई बिहार के लिए, ठीक है। और दूसरी बात भाई, बिहार जाने का रीज़न ये था, अभी हमारा प्लान बहुत लंबा था, लेकिन क्या है ना, एक फ्रेंड की शादी है और उसकी 3 तारीख की शादी है, और वो बोल रखा है पहले ही आने के लिए, तो फिलहाल हमारा आगे का प्लान जो है ना वो कैंसिल होना पड़ा। कई बार क्या हो जाता है ना भाई, इतना ख़तरनाक ड्राइविंग हो जाता है ना यहाँ पे, आप देख सकते हो सामने भाई, एकदम से जो 90 डिग्री का रोड आता है ना वहाँ पे भाई बहुत हालत ख़राब होती है। और दूसरी बात है भाई, हमारे बाइक की जो टायर है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, मान लीजिए सिर्फ 10% बचा हुआ बाइक का टायर, इतना भी चलेगा। और आप सोच सकते हैं 10% में अगर कहीं ब्रेक लग जाए ना भाई बाइक का, तब तो और हालत ख़राब होने वाली है आपकी। राइड करने का मज़ा ये है ना भाई, ऐसे नज़ारे आते हैं ना कई बार, कुछ ऐसे जगह देख करके ना आपका दिल, थकान, हर चीज़ इतना खुश हो जाता है ना, उसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। दूसरी बात भाई, यहाँ पे आपने गौर किया है कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ी चल रही है ना वो भाई यहाँ के लोकल है, दूसरे का कहीं का तो है ही नहीं, क्या लाजवाब। इसका ये नज़ारा जो है ना देख के भाई दिल इतना खुश हो गया है, ये ऐसा लग रहा है कि सफ़र पे ना, कल से कह रहा था मैं दोबारा आऊँगा नहीं, लेकिन अब कह रहा हूँ कि भाई मन कर रहा है कि यहीं रह जाऊं और दार्जिलिंग में ना और घूमूं, और कम से कम 1 महीना और घूमूं। इस खूबसूरती के साथ भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा है, चाहे सबसे बड़ी गलती कर दी है, हमें जैकेट लाना चाहिए था। और अगर ऊपर जाए ना भाई तो -18-15 डिग्री टेम्परेचर है। ये आर्मी एरिया है और यहाँ पे भाई जो गाड़ी जो है ना वो स्लो चलाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह कैमरे, भाई कोई भरोसा नहीं है ना, रोक दे ना रोक दे क्या होगा नहीं होगा। भाई ब्लॉगिंग अपनी जगह है, सिंपल सी बात है, ब्लॉगिंग अपनी जगह है। क्यों कह रहा हूँ भाई, इसमें भी कुछ एक राज है, क्योंकि भाई बाइक चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, और हमें चलने के लिए और घूमने के लिए ना भाई हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी ड्रिंक की बात नहीं कर रहा भाई, हम यहाँ देखेंगे एक टी ब्रेक नियर बाय है, समथिंग 500 मीटर है, एक मार्केट जो कि हमें आते समय मिला था, जहाँ पे हमने नाश्ता किया था। हम सोच रहे क्यों ना वहीं पे एक बार और टी ब्रेक लिया जाए, और यहाँ से फिर हम सीधा लॉन्ग रूट पे चलेंगे, समथिंग इवनिंग में हम कहीं अगर देखेंगे जगह मिल गया अच्छा से तो वहाँ रुक जाते हैं। तो हमने ये वाले आगा जो ढाबा है ना भाई वहाँ पर हम रुके थे, तो चल लेते वहीं पर एक टी ब्रेक ले लेते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, क्या करें भाई। सोलो राइड करने का ना मज़ा ही कुछ अपने आप में अलग है भाई। एक वीक तो ले लिए, यानी कि चाय टेक कर लिए हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं भाई सीधा सिलीगुड़ी की तरफ, दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से भाई जाएंगे किशनगंज, जो कि बिहार का फर्स्ट बॉर्डर पड़ता है। और अगर आप दिल्ली साइड से आते हैं ना तो उधर का पड़ जाता है भाई गोपालगंज। भाई इतना भी मत देखो यार, बाइक ही तो चला रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई, आने वाले टाइम में अपने पास में निंजा होगी, जो कि हम निंजा नहीं, लेकिन अभी हमारा प्लानिंग चल रहा है भाई R3 का 350 जो है, डिसाइड करेंगे इसको तो भाई लाइफ टाइम तक के लिए रहेंगे, क्योंकि ये अपनी फर्स्ट सुपर बाइक है। भाई जब अपने आप को एनर्जी लाना होता है ना, तो कुछ ऐसे चीज़ें देखते हैं ना भाई, कहते हो ना पूरे 1 साल की एनर्जी आ जाते भाई। हम तो बाइक से चलो राइड कर रहे हैं, लेकिन भाई इन लोगों को देख रहा हूँ, देख रहे हो पीछे भाई ऑल इंडिया ट्रैवल विद, और इससे चलो आगे मिल के बात करते हैं भाई क्या है नहीं है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इनका ना पीछे स्लो स्लो गाड़ी चला रहा हूँ भाई, इतना इन्जॉयमेंट में सही में भाई मैंने भी नहीं, बाइक राइड में भी नहीं आया जितना इन सबको इन्जॉयमेंट लेते हुए दिख रहा हूँ भाई। अब जलन मच रही है। कहाँ से आ रहे हो?
है। और हमारे साथ के मिल गए जो कि है लांबा ऑफिशियल से भाई लम्हा। तो साइकिल राइडिंग इनका ऑल इंडिया ट्रेवल्स, कितने हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। मैम वहाँ पे खड़ी हैं लास्ट में, ठीक है। हम लोग फर्स्ट कपल जो इंडिया साइकिल में टूर कर रहे हैं, इंडिया साइकिल में। मतलब मैं ऐसे नॉर्मली इंडिविजुअल कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा किया है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। चैनल का ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है ना, आप एक बार इनको भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाइक से चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना भाई साइकिल से चलते हैं, और ऐसे लोगों को ना भाई मैं भी सैल्यूट करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ भाई। मुझे पता है कि बाइक से कितना प्रॉब्लम होता है, तो भाई सोच लो कि साइकिल से जो राइड कर प्रॉब्लम होने वाला है। एक बार उससे प्यार हो गया आपको, शोरूम गए भाई। आज मैं बाइक की कहानी बता रहा हूँ, शोरूम गया था मैं, पता नहीं कमीनी से कब प्यार हो गया। अब प्यार तो हो गया, लेकिन भाई एक बात तो है, उससे मैं कहा था छोड़ दो, धोखा दे तुझे, तो मैंने भी भारी तो नहीं दिया है और नहीं छोड़ के भगूंगा। वही जितना प्यार करता है उतना छपक के चलती है। तो भाई हम काफी सिक्किम का भी यहाँ शॉपिंग के लिए पीछे कोई और मिल गया, तो यहाँ पे भी कुछ भैया मिल गए हैं, तो हाई कर दो भैया एक बार। और कहोगे हमारे व्यूअर्स को, हम तो यही कहना चाहेंगे कि भैया और अच्छा अच्छा मतलब जो है कि वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो हम ये कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, डेली राइडर्स लिखिए। और जो भी भाई अररिया से है ना, वो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कितने लोग इस वाले वीडियो में जो है हमारे साथ जुड़े हैं। भाई इस पिक्चर के बारे में बात करूँ तो आप या तो किताब में देखते हैं, किसी फ़ोन या कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखते हैं। भाई ये लाइव देखने का जो मज़ा है ना, वो एक्सपीरियंस ना आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। ये यही पल है भाई ज़िंदगी जीने का। भाई दिल से जो मन करता है ना वो करो भाई, किसी के दबाव में नहीं। सिंपल सी बात है, लोग क्या कह रहे हैं वो बड़ी बातें हैं भाई। लोगों का कुछ नहीं है, पैसे आपके लग रहे हैं, आपको जो करना करो। लोग का आदत है बोलना, और लोगों पर अगर आप सुनते रहे ना भाई, फिर तो आपका बेड़ा वर्क। जिंदगी ना हमेशा अपने स्टाइल से जिए भाई, जो दिल कहता है ना वो करो। याद रखना मन की मत सुनना भाई, नहीं तो मन की अगर सुनने लगोगे ना तो आपको ले डूबेगी। और जो दिल कहता है वो करोगे तो बहुत टच करते जा रहे हैं ना, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते जा रहे हैं भाई। ये सूरज बिल्कुल नीचे आते आते, यानी कि इससे ये पता चलता है भाई कि अब रात होने वाली, और रात का समय भाई अब भैया बड़ी खतरनाक चीज़ का होने वाला है। कोई बात नहीं भाई, लेकिन एक चीज़ मैंने गौर किया भाई, जब हम बिहार से निकले थे राइड के लिए, तो भाई उस टाइम ना सूरज जो है ना हमें ऊपर आते हुए दिखे हैं, और इस टाइम जो है सूरज बिल्कुल क्लियर जिंदगी। जब हम स्टार्ट किए थे ना सुबह सुबह भाई बिहार से, तब सूर्य देव हमें उग के वो हुए, ठीक है, उग के हमारे साथ दिए आते ही। और जब हम बिहार समाप्त करने वाले हैं ना भाई, तो हम समाप्त कर रहे हैं, तो ये भी अपना सल्यूट जो है वो कर रहे हैं। कुछ अलग होता है, अलग अलग लेवल पर आ गया, अलग लेवल। और यहाँ से जो दरभंगा जिला है वो 45 किलोमीटर है,
और जिधर हमें जाना है बहेरी बाजार भाई, उधर से 66 किलोमीटर है। गोरखपुर 326 किलोमीटर, टिकरा कोटी 170 किलोमीटर।